Hello dear kids, welcome back to the Knowledge Series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 1. So children, this is your SSC book and the name of your book is Time Travelers Unraveling Histories Mysteries. So children, today we are going to do chapter number 9 of your book and the name of the chapter is Our Neighborhood. So neighbor तो आपने सुना ही होगा. Neighbor कौन होते हैं? हमारे पड़ोसी. तो neighborhood क्या होता है? वो जगह जहाँ पे हमारे सारे पड़ोसी रहते हैं. So before starting the chapter, let's do this exercise. So Rosie wants to send a letter to her friend. So यहाँ पे Rosie खड़ी है और वो क्या करना चाहती है? वो अपने फ्रेंड को लेटर भेजना चाहती है. She needs to buy a stamp. अब उसे स्टैम्प खरीदना है क्योंकि लेटर हम बिना स्टैम्प के भेज ही नहीं सकते. So where should she go? उसे कहाँ जाना चाहिए? Draw a line to that place. So जहाँ भी जाना है वहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है. So यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है चर्च की. तो क्या उसे चर्च जाना चाहिए? नो. ओके, सेकेंड पिक्चर है एक हॉस्पिटल की. तो उसे क्या हॉस्पिटल जाना चाहिए? नो. थर्ड पिक्चर है पोस्ट ऑफिस की. तो क्या उसे पोस्ट ऑफिस जाना चाहिए जहाँ पे वो आराम से लेटर को पोस्ट भी कर सके और वहीं से वो स्टैम्प भी खरीद सके? यस, हियर शी शुड गो. तो हमने लाइन कहाँ ड्रॉ की है? पोस्ट ऑफिस की तरफ. और जो लास्ट पिक्चर है वो एक स्कूल की है. तो स्कूल में भी स्टैम्प नहीं मिलते. कहाँ मिलते हैं? पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं. नाउ पीपल हु लिव नियर आवर हाउस आर आवर नेबर्स. तो हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हम अपने पड़ोसी कहते हैं, मतलब नेबर्स कहते हैं. द पीपल एंड द प्लेसेस that surround our house are our neighborhood. So वो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ऐसी locality को हम neighborhood कहते हैं. There are many places in our neighborhood. So neighborhood में बहुत सारी जगहें होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? चलिए let's read it. So the first place is a मार्केट. तो मार्केट तो सबको ही जाना पसंद है. सो सबसे पहले जहां पे भी हम रहते हैं वहां पे हमें मार्केट मिलेगा. मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर आर मेनी शॉप्स दैट सेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स. सो मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के चीजें होती हैं. यू कैन बाय एवरीडे थिंग्स फ्रॉम देयर. सो हम वहां से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट की पिक्चर है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स मिल रहे हैं. एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ मार्केट घूमने जा रहा है. सो मार्केट इज अ फर्स्ट प्लेस. नाउ द नेक्स्ट प्लेस इज आ स्कूल. सो जहाँ पे भी हम अपने नेबरहुड में हमें स्कूल भी मिलेगा. तो आप देख सकते हो हियर दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्कूल. एवरी नेबरहुड has a school. So her neighborhood में एक स्कूल होता है. Many children of our neighborhood go to school to study. So बच्चे क्या करते हैं? स्कूल में जाते हैं और वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं. Okay, let's talk about the next topic and it is the park. Park की picture बनी हुई है यहाँ पे. आप देख सकते हो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. So every neighborhood should have a park. So हर neighborhood में एक पार्क होता है. In the evening we play there. और शाम को बच्चे क्या करते हैं? वहां जाके खेलते हैं. There are many swings in the park. बहुत सारे swings होते हैं, means झूले होते हैं. बहुत सारे swings होते हैं वहां पे. Elders also go there for a walk. और हमारे जो बड़े हैं, हमसे जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हमारे ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, तो वो क्या करने जाते हैं? वॉक करने जाते हैं वहां पे. द नेक्स्ट प्लेस इज हॉस्पिटल. तो अभी हमने पढ़ा
पार्क के बारे में अब हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल के बारे में। सो हॉस्पिटल भी एक जगह होती है जो हमारे आसपास होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्पिटल की पिक्चर है और यहाँ पे एक वैन खड़ी है, मीन्स एम्बुलेंस खड़ी है, जिसमें लोग जो है पेशेंट्स को ले जाते हैं। सो हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर वी गो व्हेन वी आर सिक। सो जब हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं। द डॉक्टर्स एग्जामिन पेशेंट्स एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिंस। सो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें मेडिसिन देते हैं। द पेशेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द नर्सेस। सो जो भी पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल कौन करता है, नर्सेस करती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे हम जाके अपने लेटर्स को पोस्ट करते हैं। सो पोस्ट ऑफिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन आर नेबरहुड एंड वी पोस्ट आर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। सो ये रहा लेटर बॉक्स, उसमें हम जाते हैं और लेटर को पोस्ट कर देते हैं। वी कैन बाय पोस्ट कार्ड्स स्टैम्प्स एनवेलप्स एक्सेट्रा फ्रॉम देयर। सो हम क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं, हम पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, स्टैम्प्स खरीद सकते हैं, एनवेलप मीन्स लिफाफे खरीद सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें वहां मिलती हैं, वो हम वहां से परचेज कर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। ओके द नेक्स्ट प्लेस इज पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन क्या होता है, एवरी नेबरहुड हैज अ पुलिस स्टेशन। द पुलिस प्रोटेक्ट अस। पुलिस का क्या काम है, हमें प्रोटेक्ट करना है। दे कैच रॉबर्ट्स, वो रॉबर्ट्स को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। दे ऑल्सो कंट्रोल ट्रैफिक, और वो ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते हैं। दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और ये जो पुलिस वाले हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, मीन्स जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, रॉबर्ट्स होते हैं, चोर होते हैं, उन्हें वो पकड़ के जेल के अंदर बंद कर देते हैं। नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज हियर। You answer the questions in yes or no as per your respective neighborhood. So, आपको क्या करना है, आपके आस पड़ोस में देखना है और बताना है कि इनमें से क्या चीजें वहां पे है या नहीं है। अगर है तो आपको क्या लिखना है, yes, और नहीं है तो लिखना है no. So, I'm going to read the question. आप अपने आप लिखोगे, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी। तो पहला है, is there a park in your near your house? House के पास में क्या आपके पार्क है? So, अगर है तो हम क्या लिखेंगे, Yes. और नहीं है तो लिखेंगे नो, दोनों में से जो भी सही है वो हम लिखेंगे। इज देयर अ पुलिस स्टेशन नियर हाउस? सो आपके घर के पास क्या पुलिस स्टेशन है? थर्ड क्वेश्चन, इज देयर अ पोस्ट ऑफिस नियर योर हाउस? सो क्या आपके घर के पास एक पोस्ट ऑफिस है? फोर्थ क्वेश्चन, इज देयर अ मॉल नियर योर हाउस? क्या आपके घर के पास मॉल है? एंड फिफ्थ है, इज देयर अ टेम्पल नियर योर हाउस? सो क्या आपके घर के पास कोई टेम्पल है? सो राइट इट डाउन हियर। लेट्स कम टू व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। पीपल हु लिव नियर आवर हाउस आर आवर नेबर्स। सो वो लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें नेबर कहते हैं। द पीपल एंड द प्लेसेस दैट सराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। सो वो जगह जो हमारे घर के आसपास है उसे नेबरहुड कहते हैं। Every neighborhood has a school. So, her neighborhood में एक school होता है. A hospital is a place where we go when we are sick. So, hospital क्या होती है? एक जगह होती है जहाँ पे हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम वहाँ पे जाते हैं. Every neighborhood has a police station. The police protects us. So, her neighborhood में एक police station होता है और जहाँ पे police क्या करती है, हमें protect करती है. We should live in our neighborhood peacefully. हमें अपने neighborhood में बहुत ही peacefully रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए. Now let's come to the multiple choice questions. So क्या है यहाँ पे multiple choice questions? Let's read it. People who live in our dash are our neighbors. So वो लोग जो हमारे कहाँ पे रहते हैं वो हमारे नेबर कहलाते हैं, हाउस में, नेबरहुड में, स्कूल में, या नन ऑफ दिस। सो नेबरहुड इज द करेक्ट आंसर। पेशेंट्स आर ट्रीटेड इन अ, पेशेंट्स को कहाँ पे ठीक किया जाता है, बैंक
post office, hospital, or none of these. So hospital is the correct answer. We can buy stamps from stamp. हमें कहाँ से मिलेंगे? अगर हमें उन्हें खरीदना होगा तो क्या वो स्कूल से मिलेंगे, पोस्ट ऑफिस, बैंक या फिर none of these. So post office is the correct answer. We can buy everyday things from. So everyday things हमें कहाँ से मिलते हैं? रोज की चीजें कहाँ से मिलती हैं? क्या पोस्ट ऑफिस से, स्कूल से, मार्केट से या none of these. So we get everyday things from the market. Now let's come to the fill in the blanks. There are many dash in a market. So there are many market में क्या होती है? बहुत सारी shops. There are many dash in a park. Park में क्या होते हैं? बहुत सारे swings. We should live in a dash peacefully. तो कहाँ पे हमें peacefully रहना चाहिए? Neighborhood. Write it down. Neighborhood. Next, the people who live near our house are our. वो लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Neighbor. They're called our neighbors. Now match the following. Market, table and chair, swings, shops, or money. So market is to be matched with shops. School, school mein kya hota? Table, chair, swings, ya money. Table and chair. Bank, bank mein to bahut sari money hoti hai. Aur park mein hote hain bahut sare swings. Now let's come to the next exercise. Here this is our question and answers. So let's do it. Who examines patient in a hospital? Hospital में patient की देखभाल कौन करता है? Doctor. Where do children play in the neighborhood? बच्चे कहाँ खेलने आते हैं? Park. What is a neighborhood? Neighborhood is a place where we live. Now what is the role of police station in our neighborhood? Police station क्या काम करता है? It protects people. Protect करता है हमें. It protects us. हमें जो है पुलिस और पुलिस स्टेशन protect करने का काम करते. So children, I hope that you have understood the chapter. अगर if you don't understand anything, you can ask me in the comments and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay related.